ये जो हेयरस्टाइल आप देख रहे हो दिखने में बहुत आसान है बट मुझे करने में बहुत टाइम लगा है, तो देखते हैं कैसे। हेलो एवरीवन, प्रिया है, वेलकम बैक टू ऑलवेज वीडियो स्कूल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नई वाली क्लिप। तो ये भी मेरे पास बहुत महीनों से है बट मैंने कभी भी इसे यूज़ नहीं करा है। तो यहाँ पे आपकी ऐसी वाली क्लिप मिलती है, एक्चुअली आई थिंक इसे कोम क्लिप बोलते हैं। तो इससे आप बन जूड़ा वगैरह बना सकते हो, फ्रेंच बन वगैरह बना सकते हो, बट कभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए और ट्राई किया जाए आपके साथ ही कैसे बनता है, देखेंगे। जब मम्मा काम करने बैठती है तभी जीवी को सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो आपने देख लिया ड्रामा। तो यहाँ पे इस क्लिप के ऊपर फोकस करते हैं अभी हम। तो ये क्लिप आप देख सकते हो, ऊपर से स्टोन्स है एंड ये स्टोन्स ऊपर से दिखाई देते हैं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे दिखते हैं। तो इस क्लिप को अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे बट आज इसे मैं सेंटर क्लिप बोल के यूज़ करूँगी। दिखने में बहुत आसान है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे यूज़ करूँ। तो यहाँ पे आजकल मेरा ट्रेंड ही चल रहा है आपके सामने चीज़ें ट्राई करनी, और यहाँ पे आपके सामने मैं ये फेल हो जाऊँगी एंड फिर सक्सेसफुल भी हो जाऊँगी एंड में। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत में ये ऐसे यूज़ किया था, उसको ऐसे स्ट्रेट टक किया था बट ये बैठा ही नहीं और बाल जो है फिसल गए। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, बट ये कितना क्यूट लग रहा है। तो इसे मुझे ट्राई करना ही था, फिर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, पूरे 5 से 6 बार मैंने ट्राई किया। अभी ये सेकेंड टाइम में क्या किया, ईयर टू ईयर साइड से ऐसे सेंटर, जैसे क्लस्टर लगाते हैं वैसे सेंटर में बाल लिए। अभी इस क्लिप को मैंने ऐसे उल्टा डाल दिया है ना, ऊपर डाला फिर थोड़े से बाल उसके अंदर लिए, फिर उसको ऐसे सीधा किया एंड फिर नीचे ढकेल दिया, फिर जाके ये अच्छे से मतलब टाइट बैठा, टाइट बैठा बट उतना प्रॉपरली नहीं बैठा, बट कितना क्यूट दिख रहा है। फिर से मैं यही बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा है ये बालों में, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यारा, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, इसलिए मुझे ये छोड़ना नहीं था, मुझे फिर से ट्राई करना था। तो फिर से मैंने किया, बहुत ईजी भी है बट मुझे बहुत टाइम के बाद ये मतलब फिक्स करना आ गया इसको। पता नहीं ये ऐसे फिक्स करते हैं या कैसे करते हैं बट मैंने तो ऐसे किया एंड बहुत अच्छे से वर्क करा ये। तो फिर से मैंने सेंटर में बाल लिए एंड फिर उल्टा किया क्लिप को, ऊपर इंसर्ट कर दिया क्लिप एंड फिर उसको ऐसे सीधा किया जैसे कि आपने देख लिया, बट फिर से आप अच्छे से देख लेना, दिखना बहुत आसान है बट करने में बहुत मुश्किल जा रही थी। तो यहाँ पे फाइनली इवेंचुअली ये हेयरस्टाइल बनी है, आप देख सकते हो कितनी वो स्टोन्स की वजह से ना कितना क्यूट लग रहा है। अभी ये साइड से ना बाल क्लिप के अंदर बैठे नहीं है, इस वजह से क्लिप धीरे धीरे लूज़ हो जाएंगे एंड एंड में निकल जाएगी। अभी आप देख लेना, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी फिर से मुझे आइडिया आया कि यार अभी हमें क्या करना है, अभी फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हो फिर से सेंटर में बाल लिए एंड फिर से क्लिप को उल्टा किया एंड सीधा किया एंड बाल अभी टक रहे। अभी मैंने क्लिप को सेंटर में होल्ड किया, सेंटर में बाल अच्छे से फिक्स करे उसके अंदर एंड फिर दोनों साइड्स में भी कई जो बाल है वो क्लिप के अंदर ऐसे इंसर्ट कर दी ये इससे ऐसे। तो ये तीसरी बारी मुझे अच्छे से प्रॉपरली समझ में आया एंड तीसरी बार ये कितना क्यूट दिख रहा है, क्यूट तो पहले से दिख रहा है बट बैठ नहीं रहा था, तो इस बार ये अच्छे से बैठा है एंड बहुत ही सोबर सा, बहुत ही क्लासी सा हेयरस्टाइल लग रहा है एंड करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है बट टाइम लगा मुझे। एंड इस वीडियो का मोटिव तो यही है, अगर आपको ऐसी क्लिप मिलती है, अगर आपके पास ऐसी क्लिप है तो आपको इस तरीके से टाइम बचाना है, मतलब एक ही बार में थर्ड वाला जो मैंने लास्ट में किया है वैसे आपको टक करना है एंड आपका काम हो जाएगा आसानी से। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो कॉमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना जरूर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।